हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनिमी स्पेस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पिरिट सोल्स की। इस वीडियो में हम स्पिरिट सोल्स का मतलब जानेंगे और साथ में युहाव की सभी स्पिरिट सोल्स के बारे में जानेंगे और आखिर में युहाव के स्पिरिट सोल्स एंड गॉड ऑफ इमोशन के कनेक्शन के बारे में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते है। तो सबसे पहले बात करते है आखिर स्पिरिट सोल क्या है और इसे किसने बनाया। तो बेसिकली स्पिरिट सोल एक कॉन्ट्रैक्ट है सोल बीस्ट एंड सोल मास्टर के बीच का, जिसकी वजह से कोई भी सोल मास्टर उस सोल बीस्ट की पावर का इस्तेमाल कर सकता है। इसे मैं और भी ज्यादा आसान भाषा में समझाता हूँ। अगर किसी सोल मास्टर को उसकी सोल स्किल्स परफॉर्म करनी है तो सबसे पहले उसे सोल रिंग चाहिए। इसके लिए सोल मास्टर सोल बीस्ट को किल करते है जिससे कि उनको सोल रिंग मिल पाए। दूसरी तरफ स्पिरिट सोल में सोल मास्टर सोल बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करता है जिससे कि वो सोल बीस्ट की पावर का इस्तेमाल कर पाए। स्पिरिट सोल में सोल मास्टर को सोल बीस्ट से एक या मल्टीपल सोल रिंग्स मिल सकती है, पर उस सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने के बाद सोल मास्टर को सिर्फ एक ही सोल स्किल मिल सकती है। स्पिरिट सोल बेसिकली सोल बीस्ट का एनर्जी फॉर्म होता है। सोल मास्टर चाहे तो अपने स्पिरिट सोल को बैटल के टाइम पर भी इस्तेमाल कर सकता है, जहां बैटल में स्पिरिट सोल उसके अपोनेंट के साथ कॉम्बैट फाइट भी कर सकता है या फिर उसके अपोनेंट पर अपनी सोल स्किल से अटैक भी कर सकता है। बैटल के टाइम पर स्पिरिट सोल काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है, जहां स्पिरिट सोल खुद ही सोच सकते है और खुद से ही काफी सारे सोल स्किल्स परफॉर्म कर सकते है। एग्जाम्पल के लिए आप बैटल थ्रू द हेवेंस के जियान एंड उसके मास्टर यावलाव को ले सकते हैं, जहां पर मास्टर अपने सोल फॉर्म में ही दूसरे अपोनेंट के साथ क्लोज कॉम्बैट फाइट कर सकते हैं या फिर उसके अपोनेंट पर काफी सारे डाउट टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली यहां पर भी स्पिरिट सोल सोल स्किल्स को परफॉर्म कर सकते है और साथ में ह्यूमन से भी बात कर सकते है। अब बात करते है स्पिरिट सोल को किसने क्रिएट किया है। तो स्पिरिट सोल जैसी इस पावरफुल टेक्निक को नेक्रोमेंसर यानी ईलाई केसी ने क्रिएट किया है, जहां पर नेक्रोमेंसर अपने स्पिरिट सोल एबिलिटी से स्नो एम्प्रेस को युहाव की सबसे पहली स्पिरिट सोल बनाते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो स्नो एम्प्रेस सोल लैंड की सबसे पहली स्पिरिट सोल है। अब बात करते हैं युहाव की सभी स्पिरिट सोल्स की। तो युहाव के पास टोटल 7 स्पिरिट सोल्स है, जिसमें से स्नो एम्प्रेस युहाव की फर्स्ट स्पिरिट सोल है और तियानमिंग युहाव की सेकंड स्पिरिट सोल है। वहीं पर आइस एम्प्रेस युहाव की थर्ड स्पिरिट सोल है और युहाव की फोर्थ एंड फिफ्थ स्पिरिट सोल है स्टार एनस ग्रास एंड आइस बेयर किंग, और युहाव की सिक्स स्पिरिट सोल है लिया, या आप इसे मरमेड प्रिंसेस भी कह सकते हो, और युहाव की सेवन और आखिरी स्पिरिट सोल है ईविल एम्परर। युहाव की ये सभी 7 स्पिरिट सोल्स युहाव के गॉड ऑफ इमोशन के 7 इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है, जहां पर रॉन्ग नियान बिंग जो मैजिक शेफ ऑफ आइस एंड फायर का मेन प्रोटैगनिस्ट है और साथ में प्रीवियस गॉड ऑफ इमोशन है, जहां पर इसके मैजिकल वेपन्स या फिर इसके डिवाइन वेपन्स गॉड ऑफ इमोशन के सभी 7 इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर मॉर्निंग डेव डैगर सोरो इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, वहीं पर ट्रू सन डैगर एंगर को रिप्रेजेंट करता है, रॉन्ग नियन बिंग का स्काई डैगर हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो इमोर्टेलिटी डैगर ब्लेस को रिप्रेजेंट करता है, वहीं पर जेड पल्स डैगर हेटरेट को रिप्रेजेंट करता है, रॉन्ग नियन बिंग का डेविल डिवॉर्विंग डैगर ईविलनेस को रिप्रेजेंट करता है, वहीं पर होली रेडियंस डैगर लव को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर रॉन्ग नियन बिंग के 7 टूल्स उसके गॉड ऑफ इमोशन के 7 इमोशंस को रिप्रेजेंट करते है, वहीं पर युहाव की 7 स्पिरिट सोल्स उसके गॉड ऑफ इमोशन के 7
इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। युहाओ की स्नो एम्प्रेस सोरो इमोशन को रिप्रेजेंट करती है, वहीं पर आइस एम्प्रेस एंगर इमोशन को रिप्रेजेंट करती है। युहाओ की स्टार एनस मिस्टीरियस आइस ग्रास हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो आइस बियर किंग ब्लेस को रिप्रेजेंट करता है। युहाओ की मरमेड प्रिंसेस स्प्रिट सोल ईविल इमोशन को रिप्रेजेंट करती है, वहीं पर स्काई ड्रीम एंड ईविल आई टायरेंट एम्परर लव एंड हेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस चैनल पर ऐसे ही सोल लैंड रिलेटेड वीडियोज लाते रहते हैं। तो मिलते हैं एक और नई सोल लैंड की वीडियो के साथ।